हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश भर में गुरुद्वारों में बुधवार को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर सरहदी बाड़मेर में भी सैकड़ों लोगों ने गुरुद्वारा साहिब में अरदास की। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के गुरु पर्व विभिन्न कार्यक्रमों के साथ सरहदी बाड़मेर में हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय स्थित गुरुद्वारा साहिब के पावन प्रांगण में 3 दिन से चल रहे अखंड पाठ का समापन बुधवार को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात गुरुद्वारा साहिब में शब्द कीर्तन एवं गुरुवाणी का गायन विभिन्न जत्थों द्वारा किया गया। प्रातकालीन कीर्तन दरबार में बच्चों की कविता पाठ एवं विभिन्न जत्थों द्वारा गुरुवाणी कीर्तन का गायन किया गया। इसके पश्चात कड़ा प्रसाद का वितरण किया गया। गौरतलब है कि गुरु गोविंद सिंह जी को एक महान स्वतंत्रता सेनानी और कवि भी माना जाता है। इनके त्याग और वीरता की आज तक मिसाल दी जाती है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी बहादुरी थी। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती इस साल 20 जनवरी को है। इस दिन को सिख समुदाय गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के रूप में मनाता है। इस दिन गुरुद्वारों को सजाया जाता है। अरदास भजन कीर्तन के साथ लोग माथा टेकते हैं। गुरु गोविंद जी के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। 1,25,000 के एक लड़ाऊ उनके अनुसार शक्ति और वीरता के संदर्भ में उनका एक सिख 1,25,000 लोगों के बराबर है। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।